आपको दिखाना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान एक पुरअमन सूबा है। इसके लोगों को थोड़ी सी मोहब्बत चाहिए, थोड़ा सा गाइडलाइन चाहिए। जब गाइडलाइन मिलेगी आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और मिलेंगे बीबीसी उर्दू की खुसूसी सीरीज पेटा कहानी में बलूचिस्तान के पुरअज़्म फिल्म में। हर इंसान की जिंदगी में एक ख्वाब होता है जिसे पूरा करने के लिए किसी हद तक जा सकता है। मेरा भी एक ख्वाब था जो शायद हकीकत न बन सका। बड़ी मुख्तसर सी कहानी है मेरी, शायद आप लोगों से थोड़ी अलग। ये शहर देख रहे हो, इसमें लाखों लोग बसते हैं जो सिर्फ दो वक्त की रोटी कमाने के चक्कर में ख्वाब नहीं देख सकते या फिर देखना ही नहीं चाहते। मैं इनसे थोड़ा अलग सोचता हूं। मेरी जिंदगी का एक मकसद है। मैं उस गाड़ी की तरह हूं जिसे जरूर किसी मंजिल तक पहुंचना ही है, चाहे सफर कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। जाना तो है, लेकिन इस सफर में इतना बड़ा हादसा हो सकता है, शायद ये मैंने सोचा भी ना था।
हाँ सर, बस एक मिनट एक मिनट। हाँ हाँ सर, सर रेडी। और मैं कोयटा से आया हूँ ऑडिशन देने के लिए सर, कोच में बैठ के सफ़र करके आया हूँ, 8 घंटे लगातार सफ़र करके। हाँ हाँ आता है कुछ? हाँ सर, बहुत कुछ आता है। अच्छा, तेरे पास 100 रुपये है? हाँ। तो कहीं से जा रहे 100 रुपये गटर में गिर गए, अब बताओ उस पे तू कैसी एक्टिंग करेगा? मैं अबू से 100 रुपये पर ले लूँगा। आप देख लेंगे मेरा काम सर। सर एक चांस। हाँ जा रहा हूँ। बस कर यार, कितना और टिकटॉक करेगा? 2 घंटे से तू लगा है कि वीडियोस बनवा रहे मुझसे और ख़ुद भी बना रहे, क्यों अपना टाइम ज़ाय कर रहा है, मेरा भी ज़ाय कर रहा है, कुछ और करते हैं ना। तो क्या करूँ यार, कोई और रास्ता है बताओ मुझे। अच्छा तुमने कौन सा तीर मार लिया? 4 साल से फिल्म मेकिंग की डिग्री पकड़ के बैठा हुआ है, मिला तुझे कोई काम, बना लिया कोई फिल्म? देखो यार, इंसान का एक टाइम जोन होता है ना, मेरा भी टाइम आएगा। जिस दिन मेरा टाइम आएगा ना, उस दिन मैं भी बलूचिस्तान से एक इंटरनेशनल लेवल का फिल्म बनाऊंगा, देखना। पता यार अहमद, कभी कभी मैं सोचता हूँ तुम्हारी बातें सच हैं, हम सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। पता है जब माँ हम सबको छोड़ कर चली गई थी, बाबा ने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था, मुझे तालीम दिलवाई, एक अच्छा इंसान बनाया, सिर्फ इस उम्मीद पर कि मैं कल को उनका सहारा बन सकूँगा। लेकिन यार मैं इस एक्टिंग के चक्कर में एजुकेशन भी छोड़ दी मैंने, अपना वक्त बर्बाद कर दिया, दुकान को भी टाइम नहीं दे पाता हूँ, बस सिर्फ ऑडिशंस दे दे के थक चुका हूँ। सिर्फ यही कहते हैं वी विल सी यू, कॉन्टेक्ट करेंगे हम आपसे, पता नहीं कब आएगा वो दिन। देख मैंने सुना है कि किसी नाउमीद दोस्त से मशवरा करना भी बेवकूफ़ी है, तू नाउमीद हो चुका है, लेकिन मुझे उम्मीद है एक दिन मैं भी बलूचिस्तान से एक अच्छी खासी बड़ी सी फिल्म बनाऊँगा जो पूरे पाकिस्तान के सिनेमाज में चलेगी। अगर सिनेमाज में नहीं चलेगी तो इंटरनेशनल फेस्टिवल में तो चलेगी। नहीं हूँ मैं ना उम्मीद यार, तुझे क्या लगता है? मुझे जुनून नहीं, मुझे शौक नहीं स्क्रीन पे आने का। मैं जो ये बड़े बड़े एक्टर्स को देखता हूँ तो मेरे दिल में क्या ठेस नहीं उठती कि मैं क्यों नहीं जाता आगे? लेकिन वही सवाल आके बैठता है दिमाग में कि हम बलूचिस्तान से हैं, कोयटा से हैं, एक तो यहाँ पे कोई कोई चैनल ही नहीं है, कोई सिनेमा ही नहीं है, कोई आर्ट्स काउंसिल ही नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है यार, इसीलिए मैं मजबूरन इस टिकटॉक को टाइम देता हूँ। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ चल कुछ अच्छा करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं, ताकि जिससे कुछ रिजल्ट भी निकले। लाजमी नहीं है बलूचिस्तान में सिनेमा नहीं, टीवी चैनल्स नहीं, हम बलूचिस्तान से कुछ बनाकर बाहर तो प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा मुझे छोड़, तू अपना बता, तू क्यों कुछ नहीं करता? तुझे तो एडिटिंग भी आती है, कोर्स भी तूने किया हुआ है, ये एक चैनल खोल अपना। चैनल? तुम्हारा मतलब एक टीवी चैनल में बनाऊँ? उसके लिए मेरे पास इतना बड़ा बजट कैसे आएगा? मैं एक छोटी सी फिल्म बनाना चाहता हूँ बलूचिस्तान से, जिसे बलूचिस्तान के अलावा पाकिस्तान, पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनल फेस्टिवल्स तक सबमिट करना चाहता हूँ, और तू चाहता है मैं टीवी चैनल बनाऊँ, इतना बजट कौन देगा मुझे? अरे वो नहीं यार, ये जो नॉर्मल चैनल्स होते हैं, यूट्यूब चैनल जो डेटा पैकेज से चलते हैं। हाँ तो उसकी बात कर, वो भी तो तेरे इस टिकटॉक की जैसा है, उसमें कौन से लोगों ने बड़े बड़े तीर मार दिए,
फजूल टाइम है। मैं तुझसे कहता हूँ चल स्टार्टअप लेते हैं, कोई शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, कोई कुछ भी कर लेते हैं, उसे बड़े से फेस्टिवल में भेज देते हैं, किसी सिनेमा वाले को दिखाते हैं, क्या होगा? हाँ कुछ करते हैं यार। अच्छा तू एक काम कर, तेरे बैग में जो खाने पीने की चीज़ें हैं मुझे दे, मुझे भूख लग रही है। भूख लगी है तुझे? अरे यार दुकान कमजोर होती जा रही है भाई, कुछ डालते भी हो या बस? अशरफ जान उधारियों के चक्कर तो फिर ऐसे ही होता है ना। उधारियों के चक्कर क्या मतलब? अभी पहले को हफ्ता भी नहीं हुआ है भाई। अरे अशरफ जान तूने तो बात अपने दिल पे ले ली, ये बात नहीं है। दरअसल बात ये है कि बाजार कभी कभार जाना होता है, चार दुकानों की सीढ़ियां चढ़ो तो सांस फूलने लगती है। अकेला बंदा क्या करूं? अकेला क्या मतलब? तुम्हारा बेटा किधर है? माशाल्लाह वो भी तो जवान है। वली जान आजकल के बच्चे माँ बाप की बात कहां सुनते हैं, वो तो हमारे साथ बैठ के खाना तक नहीं खाता। अगर कभी कभार खाना खाना भी पड़े तो उसके एक हाथ में मोबाइल होता है, दूसरे हाथ में निवाला होता है और उसका ख्याल पता नहीं कहाँ होता है। अभी इसमें गलती थोड़ी उनका है, गलती तो हमारा ही है कि उनको गैर जिम्मेदार छोड़े हैं। जब उन पे कोई जिम्मेदारी सौंपेंगे ना तब उन्हें समझ आएगा। अच्छा जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? मैं आपकी बात नहीं समझा। बस भाई जिम्मेदारी क्या है, बस अभी ये बच्चा जब जवान हो जाता है तो उसके एक काम करने चाहिए, शादी। Thank you.
देख अली, मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ, मेरा ये फिल्म शिल्म है ना बाहर पैसे की नहीं चलेगा बेटा, वाली के लिए काम कर, कैमरा शैमरा ये सब कुछ मिल जाएगा। बाली भाई तुम मुझे रोज कहते हो मेरे साथ काम करो मेरे साथ काम करो, आज तक आपने मुझे बताया नहीं आप काम क्या करते हो। जब बाली का ग्रुप ज्वाइन करोगे तो बेटा पता चल जाएगा कि बाली क्या है और बाली का ग्रुप क्या है और बाली क्या काम करता है। ठीक है, मेरा जो दोस्त है अहमद, मैं उसके साथ मशवरा करके, मशवरा क्या बल्कि अगली बार मैं उसे अपने साथ लाऊंगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो मान जाए, फिर भी मैं बात करके देखता हूँ। तो उसको समझा, उसे बोल अगर एक्टर बनने का शौक है ना बाली, ये तुम दोनों का शौक पूरा करेगा। अभी चलता हूँ, मुझे इजाजत दो, दुकान भी जाना है वरना फिर से बाबा की डांट पड़ेगी मुझे। बात सुन, एक्टर बनने का शौक है ना, कसम खुदा की ये बाली तेरे ये शौक पूरा करेगा। जा। यार कब आएगा तेरा बाली? कुछ आ रहा है जो तुम दोनों के जुनून है ना फिल्म शेम का, ये सब बाली पूरा करेगा। बस बाली के लिए सिर्फ काम करो, सब हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। बाली भाई आपने बताया नहीं हमें आपके लिए क्या काम करना होगा। पूछते थे कि काम क्या करना होगा, आज वो दिन आ चुका है। बाली भाई आप हमें इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हैं, इसकी कोई वजह? तुम दोनों की आंखों में जो चमक और जुनून देखी है मैंने, तुम दोनों कुछ भी कर सकते हो, मुझे यकीन है। तुम दोनों को ठिकाने पे पहुंचाएगा, फिर आगे का काम तुम दोनों का है। बाली भाई मतलब हमें आपके लिए दो नंबर काम करना होगा, जो मेरा जमीर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं माजरत चाहता हूं आपसे, मैं ये काम नहीं कर सकता। चलो अहमद, अहमद मेरी बात तो सुनो। बाली ये नहीं मानेगा, मुझे भी जाना चाहिए।
बाली भाई, ये दोनों तो चले गए, लगता है पढ़े लिखे लोग हैं ना, ऐसा ना हो कि कल के दिन कोई मसला बन जाए। बाली का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जाना है तो जाए। मैं जिंदगी से तंग आ चुका था। अब्बा चाहते थे कि मैं उनकी दुकान पे बैठ जाऊं, जो मेरे लिए किसी जिंदान से कम न थी। तब मैंने फैसला कर लिया कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे पूरे बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए रास्ता निकले। मैं शायद दीवाना हो चुका था, पागल हो चुका था, इसलिए मैंने अपने सफर का आगाज अली के मोबाइल से किया, जिसका सिर्फ कैमरा काबिल इस्तेमाल था, बाकी सब कुछ बिल्कुल उसकी तरह नाकारा। बलूचिस्तान में सिर्फ एक ही टीवी चैनल है जहां से मुझे धक्के देकर निकाला गया, इसलिए मुझे मेरे फैसलों ने पहाड़ों तक पहुंचा दिया, एक नए ख्वाब की तलाश में, वो भी पैदल। मेरा नाम अहमद और मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ। इंडिपेंडेंट मतलब एक खुद मुख्तियार फिल्म साज। फिल्म मेकिंग मेरा जुनून था। अब्बा ठीक कहते थे कि बेटा कुछ और कर ले, कोई काम धंधा कर ले, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने सोचा बलूचिस्तान में रहकर मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी कि बलूचिस्तान में भी फिल्म मेकर्स हैं, फिल्म साज हैं।
हाँ भाई, क्या इधर उधर ताड़ रहे हो बीगी बिल्ली की तरह? अंदर आओ, अंदर आओ। जी चाचा, यहाँ से मैं गुजर रहा था, सोचा सलाम दुआ करूँ आपके साथ। अच्छा, आज सूरज कहाँ से निकला जो तू मेरे सलाम दुआ लेने आए हो? पहले तो कई बार यहाँ से गुजरे हो, कभी सलाम दुआ नहीं की। मैं जानता हूँ तुम अपने उस नालायक दोस्त अहमद को देख रहे हो। सलाम दुआ। वैसे वो दो दिन से नज़र नहीं आया है, मुझे तो कहा था एक छोटा सा काम है वो फिल्म के हवाले से। बस बस, खूब जानता हूँ तुम्हारे दिल का दर्द। अरे खुद तो सालों साल बर्बाद करके अपने बाप की दुकान पे बैठ गए हो और आए हो बड़े मेरे बेटे को अदाकार बनाने। अरे इतने अरसे से टीवी देख रहा हूँ, मैंने तो तुम्हारी ये कार्टून जैसी शिकल कभी नहीं देखी। चलो चलो यहाँ से दफा हो जाओ, फिर अपनी ये शक्ल मत दिखाना मुझे। चलो बनने आए। अरे तुम गए नहीं, अब तक यहीं खड़े हो? बड़े बेशरम आदमी हो यार, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती। चलो मैं यहां एक वीलॉग बनाने आया था ताकि अपने YouTube चैनल को फेमस कर सकूं, इस पे मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाए, मुझे हजारों लाखों सब्सक्राइबर्स मिल सके, ताकि मेरा YouTube चैनल भी फेमस हो पूरी दुनिया में, जिस तरह पाकिस्तान की दुनिया भर के मुख्तलिफ वीलॉगर्स अपनी कहानियां वीलॉग्स के जरिए लोगों को दिखाते हैं। लेकिन शायद
अब ये सिर्फ एक वीलोक तक नहीं, क्योंकि अब इस वीलोक से मेरी सांसें जुड़ी है, मेरे लिए एक चैलेंज बन चुका है यहां से निकलना। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हार सकता, मुझे यहां से निकलना होगा। मुझे यहां से निकलकर पूरी दुनिया को अपनी कहानी सुनानी है, मेरे बाबा को यकीन दिलाना है। शायद मेरे बाबा सच कहते थे कि इन कामों में कुछ नहीं रखा, लेकिन मरने से पहले मैं कोशिश जरूर करूंगा यहां से बाहर जाने की। मुझको यकीन है कि वो आएगी जरूर, दिल को कहता हूँ कि मैं पाऊंगा जरूर। मुझको यकीन है कि वो आएगी जरूर, दिल को कहता हूँ कि मैं पाऊंगा जरूर। मिलेंगे अब तो सनम वो जैसे ललाती और मजनू, मिलेंगे अब तो सनम जैसे ललाती और मजनू। जान जाना तेरा इंतजार है, तेरे बिन जिंदगी मेरा दुश्वार है। चाहत है तुझसे सनम जैसी ललाती और मजनू, मिलेंगे अब तो सनम जैसी ललाती और मजनू। सनम मेरा जो आल है, मेरी बेकरारी का तू ही एक सवाल है, तुझको क्या पता सनम मेरा जो आल है। मोहब्बत तुझसे ऐसा क्यों जैसी ललाती और मजनू, मिलेंगे अब तो सनम
जैसी लहलाती और मजनू, वो निकालो, कौन है? क्या मेरी आवाज सुन रहे हो आप लोग? मैं यहाँ फंस चुका हूँ यार, मुझे निकालो यहाँ से। We'll be right back.
तुम कौन हो? तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो। हाँ, मैं तुम्हारे जैसा दिखता हूं, लेकिन तुम्हारे जैसा बुजदिल नहीं। क्या मतलब बुजदिल? मैं बुजदिल नहीं हूं। जब जब तुमने जिंदगी में कोई फैसला लिया, मैंने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुम एक हिम्मत हारने वालों में से हो। तुम एक डरपोक हो जो मौत के डर से हमेशा पीछे भागता रहता है। और मैं क्या करूं? यहां और कोई नहीं जो मेरी मदद करे। क्यों कोई तुम्हारी मदद करेगा? आखिर क्यों कोई तुम्हारी मदद करेगा? तुम यहां खुद आए थे, यहां से खुद ही निकल के दिखाओ। जो डर गया वो मर गया। बस तुम यहां बैठ के अपने मौत का इंतजार करो। नहीं जाओ यहां से बाहर। तुम्हें क्या जरूरत है मेरे दोस्त? अलविदा। रुको रुको, मुझे यहां से निकालो। रुको मेरे लिए, मुझे भी निकालो यहां से। रुको मेरे लिए। हिम्मत, हौसला और यहां से निकलने की कोशिश। लेकिन तुम क्यों करोगे? क्योंकि तुम्हें यहां से निकलना ही नहीं है। अगर यहां से जिंदा बचना है तो तुम्हें खुद कोशिश करना होगा यहां से।
दोस्तों, मुझे लग रहा था कि मैं शायद यहाँ से नहीं निकल सकता, क्योंकि यहाँ गिरने के बाद मैं मत हार चुका था। मैं ऐसा फील कर रहा था कि मैं यहाँ मर जाऊँगा, यहाँ से निकल नहीं पाऊँगा, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसे नहीं मर सकता, क्योंकि ये वही लोग, ये समझो मेरी ज़िंदगी की कहानी है, और इस कहानी में अगर इस कहानी में मैं ही मर जाऊँगा तो ये कहानी आपको कौन सुनाएगा? इस वी लोग को पूरी दुनिया को भी दिखाना है मैं हिम्मत नहीं हार सकता यहाँ। हो सकता है मैं अपना मोबाइल, अपना बैग, सब कुछ यहाँ छोड़ के जाऊँ, यहाँ से निकलने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये चीज़ें मुझे बाद में भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर मैं मर गया तो समझो कहानी ख़त्म। उम्मीद है मैं यहाँ से निकल के दिखाऊँ, क्योंकि इस कहानी को मेरे साथ ही चलना होगा आखिर तक। मैं वीडियो लगा के छोड़ता हूँ कि शायद मैं यहाँ से निकल सकूँ। एक बार फिर एक आखिरी कोशिश, क्योंकि ज़िंदगी बचाने का हक किसी को है, हर किसी को है। मैं सब कुछ यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, इन सबको लेने वापस आऊँगा ज़रूर, लेकिन यहाँ से पहले खुद निकल के जाऊँ। मैं एक फिल्म मेकर हूँ और एक फिल्म सास को चाहिए कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हिम्मत नहीं हार सकता मैं यहाँ मर भी नहीं सकता। दरवाजा तोड़ने का इरादा है क्या?
चाचा वो पूछना था कि जो क्या पूछना था, जो पूछना है पूछिए, मुझसे पूछिए। नहीं नहीं, यहीं पे ठीक है, यहीं से मैं पूछूंगा। अहमद क्या यहीं पे है? उसे बुलाए, उसे कहें कि उसका दोस्त आया है, मेरा मोबाइल उसके पास है, मुझे मेरे मोबाइल की सख्त ज़रूरत है। अरे अहमद को तो एक अरसा हुआ मैंने नहीं देखा, आपका मोबाइल चाहिए ना, इसे ही रख लें, ये उससे ज़्यादा कीमती मोबाइल है। ये आपका मोबाइल है, मैं कैसे रख सकता हूँ, मुझे सिर्फ मेरा मोबाइल ही चाहिए। अहमद के दोस्त हो ना, कोई बात नहीं, ये रख लें। नहीं नहीं, छोड़िए मेरा हाथ, आप अपना मोबाइल अपने पास रखें, मुझे आपके इरादे कुछ ठीक नहीं लगे। खुदा हाफिज़, मैं चला। अरे बच्चे ज़रा सुनिए तो भाई, आजकल के चोकरों को बुजुर्गों का ज़रा भी एहसास नहीं। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम साले साहब, बड़े दिनों के बाद नजर आए हो, क्या मसरूफियत है? यार क्या बताऊं, सुबह सवेरे ऑफिस जाता हूं, ऑफिस से घर आके थोड़ी देर आराम करता हूं, उसके बाद फिर घर की पेंटिंग्स कर रहा होता हूं। तुम तो जानते हो यार, अकेला बंदा हूं, कोई हाथ बटाने वाला भी तो नहीं है ना। अकेला क्या मतलब? वो नालायक अहमद जो तुम्हारे पास आया इतने दिनों से, क्या वो तुम्हारा हाथ नहीं बटाता? अहमद और मेरे पास, उसी को लेने के लिए तो मैं आया हूँ, सोचा कि आपसे इजाजत लेके कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि काम काज जो है इनको निपटा दूं। क्या कह रहे हो, वो तो काफी दिनों से घर में कह के गया कि मैं मामू के पास जा रहा हूँ। मेरे पास तो नहीं आया, मेरे पास आते तो मैं फिर क्यों आता? हाँ याद आया, कुछ दिन पहले उनका वो दोस्त, क्या नाम है उनका, कार्टून सा जो लड़का है। हाँ हाँ वो अली अली। हाँ वही जो ड्रामे शामे करता है इसके साथ, वही आया था। वो भी उनका पूछ रहा था कि तुम्हारे पास है, और आप भी यही कह रहे हैं। तो फिर ये लड़का कहाँ गया? अली बात सुनो, देख मैंने वीडियो अपलोड की है यूट्यूब पे, अब तू एक काम कर, तू वो लिंक कॉपी कर, अपने तमाम दोस्तों को शेयर कर, तेरे पास मोबाइल है ना, व्हाट्सएप पे सबके साथ शेयर कर, देखते कितने व्यूज आएंगे। हाँ यूट्यूब पे जो है ना पावल फिल्म सर्च कर, पावल फिल्म्स के नाम से एक चैनल है, उसी पे मैंने अपलोड किया।
यार नाम से क्या लेना देना, बस मेरे दिमाग में कुछ आया मैंने नाम दे दिया, बाकी हमने वीडियो पे काम करना है ना। पावल की स्पेलिंग ये एक मिनट, पी ए डब्ल्यू डबल ए एल और उसके बाद फिल्म्स आम वाली एफ आई एल एम एस फिल्म्स, ठीक है। तू सर्च कर तुझे एक ही वीडियो मिलेगी, आज की वीडियो, ठीक है। वीडियो के साइड में जो ऑप्शन आता है शेयर का, शेयर कर, शेयर के बाद वो तुझे ऑप्शन देगा व्हाट्सअप फेसबुक डिफरेंट ऑप्शंस देगा, फेसबुक पे भी शेयर कर दे और व्हाट्सअप पे भी, ठीक है। अच्छा अच्छा मैं भी करता हूँ फेसबुक पे, क्योंकि मोबाइल तेरे पास है तो तू व्हाट्सअप पे ज़्यादा शेयर करेगा ज़्यादा व्यूज़ आएगा, देखते हैं कितने व्यूज़ आएंगे। ओके बेस्ट ऑफ लक। Where is the share button, man? Got it. Facebook login. कैसे? हाँ बेटे, आखिरी वक्त में मैं तुम्हें देखना चाहता था। पापा, क्या क्या आपने मुझे माफ कर दिया? पापा मैंने आपका दिल तोड़ा था एक जिद की वजह से, मैं यहां पहुंचा, क्या आपने मुझे माफ कर दिया? अब नहीं नहीं बेटे, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, ये तो मुझे समझने में वक्त लग गया, तुम्हें समझ नहीं पाया। आज मेरी जिद की वजह से, मेरी नासमझी की वजह से तुम इस हाल में आ पहुंचे और तुम्हारे ख्वाब को मैंने चकनाचूर कर दिया। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, ये सारा मेरा कसूर है और इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हो अब्बा? नहीं अब्बा, अब्बा बात सुनिए, अब्बा अब्बा ये क्या कर रहे हैं? अब्बा रुके रुके, नहीं अब्बा, thank you.
अहमद बेटे, अहमद कहाँ हो? बेटे आवाज दो, अहमद बेटे। मामा, यहाँ हूँ यहाँ। Thank you.
जैसी लैला थी और मजनू।